श्योपुर नगर के वीए सावरकर स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्योपुर के प्रभारी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने ध्वजारोहण कर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इसके बाद शांति के प्रतीक गुब्बारे आसमान में छोड़े अर्धसैनिक बल पुलिस परेड का निरीक्षण कर परिचय लिया। वहीं गणतंत्र दिवस पर विभिन्न विभागों के द्वारा जल जमीन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर झांकियां प्रदर्शित की। इतना ही नहीं, शासकीय व अशासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अंदर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इसलिए मध्य प्रदेश का विकास चारों ओर विकास हो रहा है। चाहे चीजों की बात करें, चाहे अन्य क्षेत्र की बात करें, और विकास के मामले में और प्रदेश को जिस तरह से हमें डेवलपमेंट करना है, प्रदेश को हमें विश्व पटल पर दिखाना है, तो इसी प्रकार से नए नवाचार होते रहेंगे, क्योंकि सशक्त नेतृत्व हमारे पास है। इस वजह से मतलब वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की थी, बत्तियों को गाड़ियों से बत्ती हटाना, रूटर हटवाना, लेकिन देखा जा रहा है कि नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक सब बत्ती लगा रहे हैं और रूटर लगा रहे हैं। देश के लिए आत्मनिर्भर हमारा सुपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का योगदान होगा तो निश्चित रूप से हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। जब मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। सोपुर के वासी, सोपुर के सभी जिलेवासियों को मैं पुनः इस बात के लिए भी शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह से सोपुर के विकास के लिए जो जनता का सहयोग मिल रहा है, उसने मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे। मुख्यमंत्री जी लगातार भूमाफिया पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं लेकिन गरीबों पर हो रही हैं सर, बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, कहने के लिए तो आप लोग पहले हकीकत को देखें। नहीं देख रहे हैं भैया।